देश की राजधानी दिल्ली में एक नामी पहलवान और केबल ऑपरेटर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या किसने और क्यों की, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। यही वो बाइक है जिस पर सवार होकर दो बदमाश दिल्ली के बेगमपुर इलाके में आज सुबह आए और इलाके के नामी पहलवान देवेंद्र राठी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही बाइक पर सवार होकर देवेंद्र राठी अपने घर से निकले कि थोड़ी ही दूरी पर पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने पहलवान देवेंद्र राठी पर कई गोलियां चला दी। कई गोलियां लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भागते समय बदमाशों की पिस्टल भी वहीं गिर पड़ी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश किस तरह गोली पिस्टल से लैस होकर आए थे। सुबह हमें करीब 10:10 पे कॉल मिली है। मृतक का नाम देवेंद्र राठी है, करीब 40 साल उम्र होगी उसकी। बाकी अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस हत्या के पीछे किसी से आपसी रंजिश या फिर कोई और वजह है, लेकिन इस हत्या के साथ ही कुश्ती का वो दंगल भी रद्द हो गया है जो पहलवान देवेंद्र राठी परसों बेगमपुर इलाके में ही कराने वाले थे।